नमस्कार, म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। हमारा वीकली शो जिसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जायजा लेने के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो प्लानिंग में आपकी मदद करते हैं। बाजार के एक्सपर्ट जुड़ते हैं आपके साथ और मदद करते हैं आपके पोर्टफोलियो में, आपको कैसे बनवाना है पोर्टफोलियो, लंबी अवधि के लिए कौन से फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ठीक है और किन फंड्स में SIP के जरिए आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ यह है कि हमें एक ईमेल लिखना है, fund@znetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, फंड लिखें, उसके बाद अपना सवाल म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ लिखकर भेज दें 575755 पर। शैलेश मुल्तानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, चीफ फाइनेंशियल प्लानर एडवाइस फाइनेंशियल प्लानिंग के। शैलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। और चलिए सीधा ही यहाँ पर सवाल आपका सबसे कुछ आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक व्यूअर भी इस समय लाइन पे जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए, रतिंद्र नाथ चौधरी जी वेस्ट बंगाल से लाइन पे हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार रजत जी। हाँ जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सर आप लोग एडवाइस करते हैं जी, जो गोल्ड पोर्टफोलियो में अपना पोर्टफोलियो में 10-15% रहना चाहिए जी बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म रिटर्न नियर अबाउट 8.5% मिल जाएगा, 8.5% मिल जाएगा। लेकिन बैंक RD अभी 8.75-9% दे रहे हैं, एश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं, तो क्या करूँ सर? बिल्कुल वो एश्योर्ड रिटर्न है। और आप वैसे अभी इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, क्या आपका इन्वेस्टमेंट बैंक FDs में है, सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, कैसा इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है आपका? हाँ सर, इन्वेस्टमेंट मेरा रिटायरमेंट तक इन्वेस्टमेंट, मतलब 10 ईयर्स तक रिटायरमेंट करना है। HDFC टॉप, अभी मेरा इन्वेस्टमेंट है HDFC टॉप 200 फंड में, ठीक है, 4000 पर मंथ। IDFC प्रीमियर इक्विटी 2000 पर मंथ, 2010 से हम ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई गोल्ड फंड भी चुना है आपने इन्वेस्टमेंट के लिए? हाँ, गोल्ड फंड चुने थे, रिलायंस गोल्ड फंड, लेकिन SIP स्टॉप कर दिए, रिडीम नहीं किए सर। करंट सिचुएशन देख करके हम गोल्ड फंड में स्टॉप किए हैं जी। वैसे भी उसमें अब रिलायंस के गोल्ड फंड जो है उसमें अब नई SIP शुरू भी नहीं कर सकते हैं। पर ओवरऑल आपको आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल ठीक है। सैलेजन का प्रश्न ये है कि लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट अगर करें भी, और जैसे कि यहाँ पर कहते भी हैं कि गोल्ड में 10% ज्यादा हिस्सा नहीं रखना चाहिए पोर्टफोलियो का, पर बैंक FD भी 8-9% का रिटर्न यहाँ पर एनालाइज बेसिस पे दे देती है, सुरक्षित वो भी, तो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए कि अभी भी आप सोने पे बेट लगाएंगे और सोने में बेहतर रिटर्न्स देखते हैं आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और खास तौर पर म्यूचुअल फंड्स पे जो इनके पोर्टफोलियो में है HDFC टॉप 200, IDFC प्रीमियर इक्विटी, इन पे क्या एडवाइस है आपकी? चौधरी जी नमस्ते, मैंने आपका ये पोर्टफोलियो देखा है, आपका प्रश्न सुना भी। मेरे हिसाब से जब भी आप एक पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं उस समय आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना चाहिए। इसलिए मेरी राय ये रहेगी कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की ज़रूरत है। इसके अलावा थोड़ा सा निवेश आप गोल्ड ETF में भी करें, 5-10% आप गोल्ड में निवेश करना चाहिए आपको। इसके अलावा जो थोड़ा जो आपको एलोकेशन है वो बैंक के FD में भी करना चाहिए। ये होता है एक बैलेंस पोर्टफोलियो, क्योंकि आपकी निवेश की अवधि 10 साल की है, तो मेरे अनुसार आपको अधिक से अधिक निवेश डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में करना चाहिए। गोल्ड में 5-10% का निवेश करना चाहिए। आपकी बात भी ठीक है कि आपको बैंक FD में 8.5% या 9% का एक एश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि गोल्ड जो है उसकी एक अपनी अहमियत है, एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी माना गया है गोल्ड का रिटर्न। अगर आप एक्चुअल रिटर्न देखें, अगर आप फिक्स डिपॉजिट का नेगेटिव रिटर्न आता है अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करें, तो 5-10% गोल्ड में बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। आपके दोनों जो फंड्स हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, HDFC टॉप 200 फंड है, और आपने बताया कि आपके पास IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड है, ये दोनों बेहतरीन फंड्स हैं अपने कैटेगरी के। हालांकि अगर आप HDFC टॉप 200 फंड की बात करें, पिछले कुछ वर्षों में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब रहा है, लेकिन अगर इसके 17 साल की अवधि का रिटर्न देखें, एवरेज रिटर्न कुछ 17% के आसपास रहा है, तो अगर उसको ध्यान में रखें तो इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में आपको होल्ड करना चाहिए जी। हो सकता है फंड का जो ये परफॉर्मेंस है वो कुछ सेक्टर में उन्होंने निवेश नहीं किया हो या उनके कुछ कॉल्स गलत गए हों, लेकिन लंबी अवधि को अगर ध्यान में रखें तो HDFC टॉप 200 में भी आपको बने रहना चाहिए।
चलिए, तो HDFC टॉप 200 बने रहे हैं, IDFC प्रीमियर इक्विटी में बने रहे हैं, और जैसे कि आपने बोला था कि सोने में इन्वेस्टमेंट करें या फिर बैंक FD में, तो लिक्विडिटी अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखने के लिए बैंक FD का चुनाव तो जरूर करें, पर सोने में भी 5-10% एलोकेशन इसलिए करें क्योंकि एक डाइवर्सिफाइड, एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपका बनता हुआ नजर आएगा, और गोल्ड में भी बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इसी बीच हमारे साथ वीरेंद्र पाल जी इलाहाबाद से लाइन पे हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। जी इलाहाबाद से वीरेंद्र पाल जी, प्रश्न पूछिए अपना। ये बरोडा पायनियर म्यूचुअल फंड में मैं पिछले 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ जी। ग्रोथ फंड ग्रोथ प्लान करके है, मुझे ज्यादा म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है, इसे मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, उधर रुपए की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी, तो क्या करें उसमें से अपना निकाल लें या आईडी का प्लान है, समझ में नहीं आ रहा, यही जानकारी करना चाह रहे थे एक्सपर्ट से। चलिए, स्पेसिफिकली इस फंड के ऊपर भी आपको राय दिलाते हैं, पर इसके अलावा तो किसी और म्यूचुअल फंड में आपका एलोकेशन नहीं है अभी जी? किसी और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया है आपने? नहीं, बड़ौदा पायनियर म्यूचुअल। ठीक है, बड़ौदा पायनियर ग्रोथ फंड को इतनी जानकारी है नहीं चले जी म्यूचुअल फंड के ऊपर। अगर बड़ौदा पायनियर ग्रोथ फंड पे भी अगर नजर डालें, 160 करोड़ का AUM है, लार्ज कैप फंड है ये, पर परफॉर्मेंस वाइज अपनी कैटेगरी के फंड से पिछड़ा है ये, क्या सलाह देंगे? क्या रकम निकाल के किसी और बेहतर फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? वीरेंद्र जी नमस्ते। हाँ जी, ये जो ये फंड है वो 2010 में ये लॉन्च हुआ था, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, और इसका कुछ जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसा कुछ खास नहीं रहा है। मेरे ही राय आपको यही रहेगी कि आप इस फंड से निकल जाइए, आपने जो SIP स्टार्ट की है आप इसको रोक दीजिए। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे फंड्स हैं जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है मार्केट में, जैसे कि फ्रैंकलिन या ब्लू चिप फंड है, या HDFC इक्विटी फंड है, क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, ये सारे फंड्स जो हैं बिल्कुल इनका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही उम्दा क्वालिटी का पोर्टफोलियो है। इसमें आपको चाहिए कि ये जो 2-3 नाम मैंने आपको बताया, इसमें आप 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे राय से आपको बड़ौदा पायनियर फंड से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल सर जी, और बड़ौदा पायनियर फंड से आपने निकलने की सलाह दी है, पर उसके अलावा जो 2 फंड्स आपने चूज़ किए वो भी लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स ही हैं, फ्रैंकलिन या ब्लू चिप, क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी। क्या लार्ज कैप फंड्स का परफॉर्मेंस मिड कैप कैटेगरी के मुकाबले आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं जिस तरीके के इस समय हालात बाजार में बने हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप लार्ज कैप डोमिनेटेड फंड में निवेश करें। इसके अलावा मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस होता है वो साइक्लिकल होता है, मिड कैप में आमतौर पर एक रैली आती है उसके चलते ये फंड्स का परफॉर्मेंस होता है, लेकिन अगर ऑल सीजन्स फंड की बात करें तो लार्ज कैप में हम काफ़ी देखते हैं कि स्टेबिलिटी होती है, इसलिए आपके पोर्टफोलियो में चाहिए कि आप अधिक से अधिक लार्ज कैप डोमिनेटेड फंड रखें, और उसके अलावा जो थोड़ा सा 15-20% एलोकेशन आप मिड कैप फंड में दे सकते हैं, तो ये एक बैलेंस पोर्टफोलियो होता है इक्विटी फंड का। चलिए, इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड शो। ब्रेक ऑफ म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। आज शैलेश मुल्तानी जी हमारे साथ जुड़े हैं एडवाइस फाइनेंशियल प्लानिंग के, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे आपको मदद करने के लिए और बेहतर तरीके से आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डिजाइन करने के लिए। आपको भी शो में जुड़ने का तरीका बता दें, fund@zeenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है, डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी प्रश्न आप मोबाइल के जरिए भी भेज सकते हैं, पहले टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाकर फंड लिखें, उसके बाद अपना सवाल लिखकर भेज दें 5-7-5-7-5 पर। मुनीश गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं लुधियाना से। मुनीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए आप। मेरे को 10 साल के होराइजन के साथ एक 50 लाख का कॉर्पस तैयार करना है, तो उसके लिए क्या आप मुझे गाइड कर पाएंगे कि किस टाइप से मेरे को SIP जो है वो चलानी चाहिए? अच्छा, आपने ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट की है HDFC टॉप 200? मैंने कुछ ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें मेरी एक HDFC टॉप 200 की एक SIP चल रही है और एक ICICI डायनामिक बैलेंस की चल रही है जी, और साथ ही HDFC इक्विटी में ये जो आपने लिखा है कि चार साल आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं और 1 लाख रुपए आपने जुटा लिए हैं, इसमें आपने SIP रोक दिया? वो हाँ, वो पीछे एक्चुअली क्या हुआ था कि पीछे जब एकदम से ही मार्केट डाउन हुई थी जी, तब बंद कर दिया था, लेकिन अभी तो रेगुलर चल रही है मेरी। अच्छा, डायनेमिक बैलेंस के अंदर रेगुलर चल रही है। ठीक है, पर आपकी
सैलरी के मुताबिक अगर आपको एडवाइस किया जाए कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ानी होगी, क्योंकि लक्ष्य है 50 लाख और 10 साल के अंदर आपको अचीव करना है, जो ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे थोड़ा कम यहाँ पर अचीव होता हुआ नजर आएगा, तो आप निवेश बढ़ा भी सकते हैं? हाँ हाँ, निवेश बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। चलिए शैलेश जी से पूछ लेते हैं। शैलेश जी, फिलहाल तो ये कुछ 8-10 हज़ार रुपये की यहाँ पर मंथली SIP कर रहे हैं, पर ओवरऑल जो लक्ष्य है 50 लाख 10 साल के अंदर पाना, कैसे अचीव कर सकते हैं और कितना एलोकेशन को करना होगा, और साथ ही साथ कौन से फंड्स पे नजर रख के चलना है? क्या मौजूदा फंड्स ठीक है इनके पोर्टफोलियो में? आपका जो ये जो पोर्टफोलियो है बहुत ही उम्दा क्वालिटी का पोर्टफोलियो है। आपके जो तीनों फंड्स हैं, HDFC टॉप 200 फंड और आपका जो ICICI डायनेमिक इक्विटी फंड है और HDFC इक्विटी फंड, तीनों अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं। मेरे हिसाब से आपको इन फंड में तो SIP कंटिन्यू करनी चाहिए। आपने बताया कि आपको 10 साल में आपको 50 लाख की एक रकम जुटानी है, इसके लिए अगर 9% की एक एवरेज ग्रोथ लेके चले आपके पोर्टफोलियो के, तो आपको लगभग 25,000 रुपये का निवेश हर महीने करना होगा, एक पोर्टफोलियो बनाना होगा आपको, और उस पोर्टफोलियो में आपको अधिक से अधिक आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने अभी भी बताया कि 5-10% गोल्ड ETFs में निवेश करें, और जो बाकी की रकम है आप वो बैंक फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। तो ये एक आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए और आपका टारगेट रिटर्न जो है 9% का होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 9% से ग्रो करता है अगले 10 वर्ष और आप 25,000 रुपये की रकम निवेश करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य की ओर ज़रूर पहुँचेंगे। फंड्स के नाम भी बता देता हूँ, जो तीन फंड आपके पास हैं, इसके अलावा भी तीन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। जैसे एक फंड है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, जैसे इस फंड का नाम है, ये सारे ब्लू चिप कंपनीज में निवेश करते हैं, लार्ज कैप फंड है, 20 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, एवरेज रिटर्न जो है 16% का रहा है, तो इसमें आप निवेश कीजिए। इसके अलावा एक थोड़ा अग्रेसिव फंड है, IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड, इस फंड के का भी 7-8 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कुल मिला के 16% का एक रिटर्न दिया है पिछले 8 वर्षों में। और तीसरा फंड है क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, 2006 में ये फंड लॉन्च होता है, बहुत छोटा फंड है, इसका अगर कॉर्पस देखें तो 170 करोड़ का कॉर्पस है, लेकिन ये फंड का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बहुत ही उम्दा रहा है। अगर गिरते हुए मार्केट में देखें या चढ़ते हुए मार्केट में देखें तो ये फंड का परफॉर्म बहुत अच्छा रहा है। तो ये 6 फंड आपके पोर्टफोलियो में हो जाएंगे, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा। खाली आपको एक ये काम करना है कि आपको 25,000 रुपये का एक निवेश आपको करना होगा। चलिए इसी बीच एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक वर्मा जी चंडीगढ़ से लाइन पे हैं। वर्मा साहब नमस्कार। विवेक जी मेरी आवाज आपको आ रही है तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। यस सर, आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टिंग सम ऑफ द फंड्स लाइक HDFC टॉप 200 जी, DSP टॉप 100 एंड द थर्ड वन इज बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी एंड रिलायंस गोल्ड फंड। आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टिंग 4000 पर मंथ इन दीस फंड्स, सो व्हाट एक्स्ट्रा शुड आई बी इन्वेस्टिंग दैट आई कुड हैव कॉर्पस ऑफ लाइक 1 करोड़ इन कमिंग ईयर्स? अच्छा ठीक है, 1 करोड़ के कॉर्पस तक यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं शैलेश जी, और वो भी 10 साल के अंदर अंदर। फंड्स काफ़ी बेहतर लग रहे हैं जो इनके पोर्टफोलियो में हैं, पर कुछ रीशफलिंग की आप सलाह देंगे, और जो इतने एलोकेशन है इनके लिए भी इसको एलोकेशन बढ़ाना होगा, 1 करोड़ का लक्ष्य कैसे पा सकते हैं, कितना एलोकेशन करना होगा, और ओवरऑल कौन से फंड्स पर नजर रख के चलें? विवेक जी नमस्ते, आपका अभी जो पोर्टफोलियो है काफ़ी उम्दा क्वालिटी का है, मतलब HDFC टॉप 10 की अपने अभी चर्चा की थी, और DSP टॉप 100 इक्विटी फंड, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, सारे जो फंड्स हैं आपके लार्ज कैप डोमिनेटेड फंड हैं, लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं, सारे फंड्स का 10 से 15 साल का एक बहुत ही बेहतरीन एक ट्रैक रिकॉर्ड है, सारे फंड्स का एवरेज रिटर्न भी 15% से ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। आपको अगर एक करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त करना है 10 वर्षों में, तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा, जिसके लिए जैसे मैंने अभी भी कहा कि 9% का अगर आप एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो एक पोर्टफोलियो में से, तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा जिसमें आप 60-70% निवेश आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में करना है। इसके अलावा 5-10% आप गोल्ड ETFs में कीजिए, और बाकी की जो है आप डेट फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक बैंक फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हो अगर तो आप जैसे कि मैंने बताया कि 50,000 रुपये का एक निवेश आपको करना होगा, अगर आप 9% की एक औसत रिटर्न लेके चलते हो, अगर आप
ये कर सकते हो तो आपका ये लक्ष्य जरूर आप प्राप्त करोगे। फंड्स के नाम भी जो मैंने अभी बताया, जैसे कि फ्रैंक इंडिया ब्लू चिप फंड है, IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड है और क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये तीन फंड्स भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। बहुत ही रोबस्ट पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। और आपको करना ये है कि ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो है, अगर आप 9 से 10% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ज़रूर आप अपना 1 करोड़ का जो आपका जो लक्ष्य, आप ज़रूर उसकी तरफ पहुँचेंगे। जी, पर डिफरेंस बहुत है विवेक जी, आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 16,000 रुपये हर महीने, पर जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है वो 50,000 रुपये हर महीने, वो भी 10 साल तक, अगर आपको 1 करोड़ तक का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो फंड्स ठीक है आपके पोर्टफोलियो में, कुछ और फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए सैलरी जी ने बताए हैं, पर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं और यहाँ पर एलोकेशन बढ़ाना होगा, नहीं तो फिर टेन्योर आपको बढ़ाना होगा ताकि आपको 1 करोड़ की राशि मिलती हुई नजर आए। इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब लौटेंगे आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड शो। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो और इसी बीच हमारे साथ एक और व्यूअर जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। विजय जी पुणे से लाइन पे हैं। विजय जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, आप सवाल पूछिए अपना। सर मुझे एक सवाल है जिसमें पूछना है कि लाइक म्यूचुअल फंड जो पहले अच्छे परफॉर्म कर रहे थे तो वो कुछ अभी बराबर नहीं चल रहे, जैसे लाइक HDFC इक्विटी एंड HDFC टॉप 200, उनका क्या, मैंने देखा कि NAV डाउन होते जा रहा है और मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने पर मुझे लग रहा है कि लाइक वेदर इसमें कंटिन्यू करना चाहिए क्या नहीं। ये सब फिलहाल कुछ साल पहले लाइक SBI कॉन्ट्रा मैग्मा ये बहुत अच्छा फंड था, लेकिन अभी एकदम लाइक NAV उसका एकदम डाउन हो गया है। तो इफ आई लुक एट द लॉन्ग टर्म थिंग जी, वेदर इट इज सुटेबल फॉर गोइंग इनटू HDFC इक्विटी और टॉप 200 आल्सो। अच्छा, पर आपने ये भी लिखा है कि आप बहुत समय से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं और उसके जरिए आपने 5 लाख रुपए इकट्ठे भी कर लिए हैं। यस करेक्ट। ये जो आपने फंड्स बताए HDFC इक्विटी, HDFC टॉप 200, रिलायंस ग्रोथ विजन, ये सब आपके पोर्टफोलियो में है अभी? या अभी है फिलहाल। ठीक है, और नजरिया अभी भी आपकी लंबी अवधि का ही है? यस करेक्ट। शैलेश जी प्रश्न बिल्कुल ठीक है, घबराहट तो पैदा हो ही गई है बाजार में जिस तरीके का माहौल है। हालांकि अगर बेंचमार्क देखें, अगर इंडाइसिस देखें, निफ्टी सेंसेक्स, तो उनमें तो एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, पर ब्रॉडर वे में मार्केट काफी अंडर परफॉर्म करता चला जा रहा है, इमर्जिंग मार्केट्स पे काफी प्रेशर है। तो अब ये जो फंड्स बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे इनकी NAVs में ही गिरावट देखने को मिली है और वो फंड परफॉर्मेंस में पिछले 1 साल की साफ रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या पोर्टफोलियो में ये जो फंड्स हैं इनको बने रहना ठीक रहेगा इस समय? विजय जी नमस्ते, ये जो प्रतिक्रिया आ रही है निवेशकों से, ये काफ़ी निवेशक इस प्रकार की एक डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर। काफ़ी बार हमें ऐसे सुनने को मिलता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म की जो हम बात करते हैं, 3 या 5 साल की एक अवधि आपको होनी चाहिए निवेश करने के लिए इक्विटी फंड्स में, उसमें भी लोगों को फिक्स डिपॉजिट से भी कम रिटर्न मिले हैं, तो काफ़ी निराशा है निवेशकों के बीच में। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये जो बाज़ार है, इक्विटी मार्केट जो है, वो एक बहुत ही बेरिश फेज से गुजर रहा है, काफ़ी डिफ़िकल्ट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते काफ़ी जो नामी ग्रामी फंड्स हैं, जैसे HDFC इक्विटी या टॉप 200 फंड्स हैं या बहुत सारे अदर दूसरे फंड्स हैं, जैसे रिलायंस के कुछ फंड्स हैं, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हुआ है, काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। लेकिन जैसे मैंने अभी भी चर्चा की है कि ये जो फंड्स हैं इनका फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके पोर्टफोलियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इनके जो फंड मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। कुछ सेक्टर्स में हो सकता है फंड्स ने निवेश किया हो उसमें उनको रिटर्न्स नहीं मिले हों, काफ़ी जो फंड्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर्स में उनका एक्सपोजर रहता है, 15 से 20% का एक्सपोजर रहता है, लेकिन पिछले 1 साल में अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो काफ़ी परफॉर्मेंस ख़राब रहा है, काफ़ी शेयर बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी गिरावट आई है, इसके चलते काफ़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस दिखाया है इन फंड्स ने। लेकिन जैसे हालत सुधरेंगे और अगर हमारी इकोनॉमी में सुधार आता है, इन फंड्स का परफॉर्मेंस भी आशा है कि ये अच्छे, इनका सुधार आएगा जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रिलायंस के जो दो फंड्स हैं उसमें से तो निकल जाइए, HDFC इक्विटी और टॉप 200 में आप अपना निवेश बनाए रखिए। चलिए शैलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर चर्चा करने के लिए और साथ ही साथ दर्शकों के सवालों को जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
साथ ही अपने दर्शकों को बता दें अगर वो भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो करना सिर्फ ये है कि यहाँ पर एक हमको ईमेल लिख सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो लिखकर भेज सकते हैं, एक्सपर्ट से एडवाइस दिलाएंगे आपको। fund@zeenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। साथ ही साथ आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं, मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, पहले फंड लिखें उसके बाद अपना सवाल लिखकर भेज दें 57575 पर। फिलहाल म्यूचुअल फंड शो से बस इतना ही, आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।